राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर तक स्वागत करूँ हूँ। तो भाई आप लोगों ने मेरा हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के तहत है निरंतर बहुत सारी भर्तियाँ निकलने लग रही है। अभी थोड़े दिनों में कंडक्टर की भी हरियाणा रोडवेज में ठेकेदारी प्रथा के तहत कंडक्टरों की भर्ती भी होगी, यानी कि HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। ग्रुप डी के भी 10,000 के करीब पोस्ट आएंगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, बहुत ही जल्द आने वाली है, समझो 4-5 दिन का में आने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ भाई कैसे पता करेंगे कि आप अपने कितने नंबर बनने लग रहे हैं, किस प्रकार का आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, आपके नंबर कितने बनने लग रहे हैं, या आप लोग कैसे पता करेंगे कितने नंबर पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा, सारी की सारी सिलेक्शन प्रोसेस, उम्र के भी नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तनख्वाह कितनी मिलेगी, कितने दिन के अंदर नौकरी मिलेगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। देख लो भाई फटाफट से क्या कुछ मामला है, सारे सेटअप सिस्टम देखो। देखो भाई आप लोगों को देखो, सबसे पहले तो बता देता हूं किस किस चीज के नंबर मिलेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऊपर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऊपर है आप लोगों को इन इन चीजों के नंबर मिलेंगे। एक तो भाई अगर आपकी जो सालाना जो आय है, सालाना जो आपकी पारिवारिक आय है, अगर वो आपकी 80,000 रुपये से कम है तो आप लोगों को 40 नंबर मिलेंगे। सारे के सारे नंबर आप अपने अपने फड़ा लियो, एक कागज़ पर लिख लो भाई, जिसकी भी उम्र जिसकी भी सालाना जो पारिवारिक आय है 80,000 रुपये से कम है ना, वो भाई अपना अपना कागज़ पर लिख लो, बस 40 नंबर मिल गए उनकी। ठीक है, जिसकी सालाना जो पारिवारिक तनख्वाह है अगर वो आपकी 1,80,000 आया, 80 नहीं आया भाई, ये गलती से टाइप हो रही है, 1,80,000 से जिसकी कम है उसको 40 नंबर मिलेंगे भाई। ठीक है, इसी क्राइटेरिया के तहत आपका सिलेक्शन होगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर। दूसरा है अगर किसी की फैमिली जो इनकम पूरी सालाना 2,00,000 रुपये है तो उसको भाई 30 नंबर मिलेंगे भाई, जिसकी 1,80,000 से ऊपर है और 2,00,000 से कम है। जिसकी भी फैमिली इनकम है एनुअल सालाना 3,00,000 है उसको 20 नंबर मिलेंगे भाई। ठीक है, जिसकी भी सालाना जो पारिवारिक आय 3,00,000 से कम है तो उसको 20 नंबर मिलेंगे, और जिसकी 4,00,000 से कम है 4,00,000 तक है उसको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 4,00,000 से ऊपर वाला थी कोई नंबर को नहीं मिला भाई, आगे बात समझ में। तो अपनी फैमिली आईडी में जिसकी जितनी इनकम है उसका हिसाब से देख लियो। तो भाई इतने इनकम वाले जो जो हूँ अपने अपने इनकम लिख लो, जिसकी 2,00,000 लग की है वो अपने 30 नंबर लगा लो, जिसकी 3,00,000 लग की वो 20 लगा लो, 4,00,000 लग की है वो 10 लगा लो, लिख लो एक कापी में भाई, मेरे 10 नंबर बन गए, मेरे 20 बन गए, इतने बन गए। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल क्वालिफिकेशन कोर्स भाई। जैसे भाई मान लो भाई रोडवेज का मैं कंडक्टर मांग रखे, तो उसका मैं कंडक्टरी का लाइसेंस मांगेंगे। ठीक है, तो उस लाइसेंस के नाम के आपके 20 नंबर और एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है भाई, जैसे मान लो आपको कलर्क मांगे गए हैं, कलर्क के अंदर मान लो आपको आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तो आपको उसको उसके अलग से 20 नंबर मिलेंगे। आगे बात समझ में, ये हो गया आपके पास। उसके बाद सीईटी के अंदर भाई, सीईटी के अंदर आपके कितने नंबर, सीईटी एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर वेटेज, सीईटी के अंदर आपके कितने नंबर हैं उसके हिसाब से आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे भाई। ठीक है, यानी कि भाई अगर आपका जैसे सीईटी का ऐसे प्रतिशत कर ले, जैसे जिसके 70 से 80 के बीच में वो उसको 10 नंबर दे दिए, 60 से 70 के बीच में उसको 8 नंबर दे दिए, इस टाइप से भाई। उसके बाद आपका अगर विडो हो या ऑर्फेन हो, अनाथ बच्चे हो या विधवा हो, तो उसके 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट मार्क्स, अगर आप अपने गृह जिले के अंदर ही रहते हो वहीं पर सब कुछ करने लग रहे हो, तो उसके भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। और सामाजिक आर्थिक मानदंड के भी आपको क्या मिलेंगे, जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उसके भी 5 मिलेंगे। ये सारे नंबर जोड़ लिया है आप लोगों ने। उसके बाद मिलेंगे आपको उम्र के भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको अपनी आयु के भी नंबर मिलेंगे। आयु के नंबर कैसे मिलेंगे ये देखो भाई, आपको अपनी उम्र के भी नंबर मिलेंगे ये रहे। अगर आप लोग, अगर आपकी उम्र 18 से 24 साल की है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर आपकी उम्र 24 से 30 साल की है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा। अगर आपकी उम्र 30 से 36 साल की है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा। 36 से 42 साल की है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा, और 42 साल से अगर ऊपर हो तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में, इस टाइप से है आपका क्राइटेरिया है उम्र का भाई। इतनी से इतनी उम्र है, इतनी से इतनी उम्र है तो आपको इतने इतने, यानी कि जो 30 से 36 साल के हैं उनको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आगे बात समझ में, तो देखो भाई अब और देखो, इस हिसाब से अपना आपका स्कोर कार्ड तैयार होने लग रहा है, अपने अपने नंबर जोड़ते रहो। अब क्या है भाई, इतने ही नंबर मिलेंगे। अब इन नंबरों के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी भाई। मान लिया भाई अगर आपके पास कोई भी कैंडिडेट जिसकी मान लो आपकी 18 से 24 साल के बीच की उम्र है, तो भाई आपके 5 नंबर वो मिलेंगे। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक के भी 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ पर नौकरी करनी है, 5 नंबर उसके मिल गए। साथ में आपके सीईटी में मान लो आपका स्कोर जितना भी उसके मान लो 6 या 7 भाई 8 नंबर लगा लिया, आपको 8 नंबर सीईटी के मिल गए। पारिवारिक सालाना आए हैं आपके भी मान ली
2 लाख रुपए तक की है, तो 2 लाख रुपए तक की जो सालाना आय है उसको कितने मिलते हैं, उसको शायद 30 नंबर मिलते हैं, 30 नंबर आपको उसके मिल गए भाई, 2 लाख रुपए की सालाना आय के नाम के 30 नंबर उसके मिल गए, ठीक है। उम्र के हो गया, ये हो गए, ये हो गए, तो इन सारे को जोड़ के भाई, अगर आप विडो हो या ऑर्फेन हो तो उसके और लगा दियो 5 नंबर, तो इन सारों को जोड़ के 5, 10, 15 और 8 आपका 23, 23 और 30, 53, ठीक है, यानी कि टोटल आपका 53 है, 53 की आपकी कट ऑफ है तैयार होगी, ठीक है, 53 की आपकी कट ऑफ तैयार होगी, मतलब आपके जो टोटल नंबर हो आपके 53 बन गए। इसी टाइप से अलग अलग किसी की फैमिली इनकम कम है, ज़्यादा है और उम्र है, ये सारा का सारा सिस्टम फड़ा के आपकी पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट है तैयार करी जाएगी, ठीक है भाई। मेरिट लिस्ट में भाई जो इब्जू कर जिसके 53 नंबर, किसी के 80 भी बने, किसी के 50 भी बने, किसी के 100 भी बने, किसी के 120 भी बनेंगे, इस हिसाब से आपकी पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी और उसके हिसाब से भाई जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसको अपनी प्रीफ्रेंस दी जाओगी। आगे बात समझ में। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आता है भाई इसके अंदर सैलरी कितनी मिलेगी आप लोगों को, तनख्वाह कितनी मिलेगी, तो तनख्वाह आप लोगों को डीसी रेट मिनिमम 18,000 रुपये आपकी तनख्वाह होगी, ठीक है। चाहे आप कंडक्टर लगो, चाहे आप MTS लगो, या भी हरियाणा पुलिस के अंदर ड्राइवर के पदों पर भर्ती आई, या आप वो लगो, कुछ भी लगो, मतलब आपको क्या नाम है 18,000 रुपये है मिनिमम आप लोगों को तनख्वाह मिलेगी। नौकरी आपकी जैसे ही कट ऑफ लिस्ट जारी होगी उसके 2 दिन बाद आप लोगों को नौकरी दी जाएगी। नौकरी का समय क्या रहेगा, मिनिमम 1 साल तक आप लोग नौकरी कर सकते हो, ठीक है, कम से कम आप लोगों की 1 साल तक है नौकरी करनी पड़ेगी। 1 साल तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 साल से पहले ना तो आपको हटाएंगे और 1 साल के बाद ना आपको रखेंगे, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज भी कर सकें भाई 1 साल के बाद, आप ती राख भी सीखें भाई, वो सरकार की मर्जी है, आप ती के बेरा भाई अगर 5-7 साल राख लें तो उसका 5 के बेरा पक्का भी कर दे, मैं वो सिस्टम भी हो सके, लेकिन सारा खेल है, मतलब आप लोगों को कोई पेपर को नहीं हुआ, सारा खेल है आपकी किस्मत का, आपकी परिस्थितियों का भाई, आपके कितने नंबर हैं सामाजिक आर्थिक और अंड सब मिलाएगी, सारा खेल उनका है, उन नंबरों का, वो नंबर मिल गए तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं नो हांडी जाओगी, ठीक है भाई। तो यह सूचना देनी थी भाई, बहुत से बच्चे पूछे थे HKRN के तहत क्या कुछ सिस्टम है, तो बता दिया है सारे, ती राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खेज पढ़ लो, कुछ नहीं दे रहा, इन किस्मत का भरोसा है, 1 साल ती लगाओगे पच्छा हटा दें, फिर पच्छा हंडो मुँह भाई, 1 साल खराब करने की बजाय 1 साल तैयारी करो ना, पक्की नौकरी मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है भाई, लाना ले लो, खेज फटाफट पड़ता।